बहुत बहुत मुबारक मेरी तरफ से अहमद भाई, बहुत बहुत आपको मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो अहमद भाई और सबा मेरी बहन, आप दोनों को बहुत 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 एक प्यारी सी नेमत अल्लाह ताला की मुबारक हो। कि नेमत है अल्लाह ताला की है, दीवी नेमत है, तो बहुत बहुत मुबारक। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है आपका? मैं ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहन भाई भी ठीक ठाक होंगे। तो जी मेरी तरफ से अहमद भाई, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, और अल्लाह की दीवी नेमत जो अल्लाह ने आपको छोटा सा बेबी दिया है, मैं तो उसे बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि मैं फुफ्फो बन गई दोबारा से। फुफ्फो तो मैं पहले भी हूँ सब बच्चों की, लेकिन जब कोई नया बच्चा हमारे आता है तो फिर उसकी तो अलग ही खुशी होती है, और इस वक्त मैं बहुत खुश हूँ। करम है मेरे अल्लाह का कि ठीक ठाक बेबी हो गया, और सबा भी माशाल्लाह काफी हद तक बेहतर है। बहुत बड़ा मामला था जो हल हो गया है, बहुत बड़ा मामला था जो हल हो गया है। जो कि तकरीबन मेरे ख्याल से वाईटी पे पिछले 2 महीने से चल रहा था, तो आज उसका द एंड हो गया, और माशाल्लाह बेबी इस दुनिया में आ चुका है। तो बहुत बहुत मुबारक, और बस वो कहते हैं ना, खुशी से आज अल्फाज भी नहीं निकल रहे। तो खुदा मां तो फिर मुझे मिठाई खिला दे। नहीं, तुम्हारा भाई खिलाएगा। मेरा भाई तो जब खिलाएगा सो खिलाएगा, ठीक है ना? मुझे पता मेरा भाई मुझे मिठाई भेज देगा, क्योंकि जा तो मैं सकती नहीं हूँ, वहां पे मिठाई मेरे पास यही आ जाएगी। तो मिठाई आज आप ला दे। नहीं नहीं, वही खिलाएगा, अहमद ही खिलाएगा। अहमद सुन लो क्या कह रहे हो। अहमद को तो है मेरी तरफ से लव यू। अल्लाह ताला जिनके पास औलाद नहीं है सब बहन भाइयों को औलाद दे, औलाद अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। मम्मा जी घर तो धो रही है। हाँ जी, क्योंकि खुदम के सर में दर्द है और टांग में दर्द है उनकी बहुत ज्यादा, जो उनका एक्सीडेंट हुआ था ना, तो टांग में आज बहुत ज्यादा पेन है। तो मैंने खुदम से कहा कोई बात नहीं, आज बर्तन जो उनसे ना मैं धो देती हूँ। मतलब अल्लाह का शुक्र है मैं चल सकती हूँ, ठीक सकती हूँ, कि अब ये तो नहीं कि मैं बिल्कुल ही चरपाई में लेट जाऊँ, क्योंकि मैं काम ना करूँ ना तो मुझे कसम से बहुत थकन सी महसूस होती है। मैं काम करके इतना नहीं थकती जितना मैं फारिग लेट लेट कर थक जाती हूँ। तो मैंने कहा आज उनसे ना काम करते हैं मिलके, और कैक्शन उनसे ना वो झाड़ू लगा दे, क्योंकि झाड़ू तो मुझसे नहीं करती, कैक्शन से झाड़ू लगा देंगी। और मैंने कहा मैं बर्तन धो लेती हूँ, किचन की सफाई कर लेती हूँ, सालन तो मैंने रात बनाया था उसी में गुजारा अबका हो जाएगा। तो मैं ये हम ये नहीं करते होते कि आज का सालन है या कल का सालन है, हम ना खाएं तो फिर जाहिर है हम तो खा लेते होते हैं एक दिन का दो दिन का। भेजी है आलू की टिक्की, तो मम्मा अभी तक बर्तन धो रही है। जी तो अभी तो यहाँ की सफाई भी करनी बाकी है ना बेटा, तो मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता यहाँ की सफाई भी कर लूंगी, और इस पे तो बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। सॉस पैन पे ये आपके पापा ही धोएंगे, ठीक है ना जी? तो बाकी दिन से ना आप यहाँ की सफाई कर दे मुझे, और मोहम्मद नहीं मेरा बच्चा नहीं, तो आप मुझे यहाँ की सफाई कर दे, मैं किचन की सफाई कर लेती हूँ, तो फिर उसके बाद देखते हैं क्या काम करना है क्या। सफाई मैंने कर दी थी, यहाँ से सारा साफ कर दिया हुआ है, और अब कैक्शा बनाने लगी है चाय। इसमें थोड़ा सा पानी डाल लो, कैक्शा दो कप नहीं बनेंगे आपके पापा के भी और मेरे भी नहीं बनेंगे, बर्तन भी मांजा नहीं गया सही तरीके से, फिर मैंने ही धो लिया था ये। मैंने कहा क्या खुदम से कहूँ, फिर देखिए भी जैसे मुझसे धुली है मैंने धो ली है, तो अब जाहिर तबीयत मेरी ख़राब है, वाइट तो निकाल नहीं सकती नहीं ज़्यादा, जितने मुझसे हिम्मत थी मैंने धो लिया। चलो ठीक है, चीनी पत्ती इसमें डाल लो। तो मेरे बेटे का ये फायदा, मुझे मुझे चाय बनाकर दे देती है, तो खा क्या रही हो? चॉकलेट। चलो जी खाओ। मजे ओन। अच्छा ओन मोहम्मद कोई मजे के लगते, ओन मोहम्मद तो तंग करके सो गया मुझे अब। अच्छा बना रही है इस वक्त अपने भैया का दूध, ओन मोहम्मद का फीडर। चलो बना दो, ठीक हो गया मेरा प्यारा प्यारा शहजादा। तो जी ये बात हकीकत है और झूठ नहीं, जो हम मुबारकबाद दे रहे हैं ये अल्लाह का शुक्र है कि अहमद भाई को अल्लाह ताला ने एक और नेमत से नवाज दिया। पहले भी था उनपे एक बेबो, माशाल्लाह से एक छोटा बेबो एक और आ गया, अब प्यार बढ़ गया, अब प्यार बढ़ गया। पहले खाली बेबो से हुआ करता था, माशाल्लाह दो बच्चों का प्यार हो जाएगा। प्यार बढ़ना नहीं कहते इसे, घर प्यार बढ़ जाना कहते। अब वो प्यार जो है जो सारा एक लिया करता था, प्यार बढ़ा दिया जाएगा, दोनों को मिलेगा एक जैसे।
ये ऐसा कोई गलत नहीं है और ये वाकई हकीकत बात मुझे है। सच पता चला है तो और मेरे चैनल पे वीडियो आ रही है। तो ये हमारी तरफ से जो है अहमद भाई को मुबारकबाद की वीडियो पेश की जा रही है, और अहमद भाई और सभा मेरी प्यारी बहन, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। छोटे बेबो की आमद बहुत बहुत मुबारक। तो इसके साथ ही हम इजाजत चाहेंगे। तो इसके साथ ही हम इजाजत चाहेंगे। इसके साथ जो हमारा आज ब्लॉग नहीं है, ये एक मुबारकबाद का एक पैगाम था पूरी वाइटी फैमिली को, क्योंकि पहले बहुत सारे स्कैंडल चले, बहुत सारी बातें चली, बहुत सारे बात चले कि अहमद भाई ऐसे, अहमद भाई वैसे, पता नहीं किस किस चैनल ने अहमद भाई के नाम पे व्यूज लिए, और बहुत सारे ऐसे मामला थे, बस किसी का नाम क्या ले अब यहाँ पे। लेकिन अब क्योंकि वो मामला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का सर अंजाम पहुंचा है, तो उसके साथ ही जो है सारे मामला सबकी आवाजें दब गई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जो मामला होना था वो हो गया। और जो कहते हैं ना झूठ 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 बोलने झूठ, तो इस दौर में झूठ कौन नहीं बोल रहा है, सब बोलते हैं। तो बाकी जो सच होता है, जो झूठ होता है, वो मेरे अल्लाह को पता होता है कि क्या सच है आया क्या झूठ है। अब मेरी बीमारी का थोड़ा झूठ का है लोगों ने, ड्रामा कर दिया ड्रामा कर दिया ड्रामा कर दिया, लेकिन ये मेरा अल्लाह जानता है और मैं जानती हैं। हाँ, तो मेरा तो जो ड्रामा है वो तो सबके सामने है, मेरी जो हालात है वो भी सबके सामने थे। तो इसके बावजूद भी मुझे फेक आइडिया बनाकर मुझे ड्रामे का रंग दिया गया, तो बहुत बहुत शुक्रिया उन मैन भाइयों का जो ऐसा करते हैं। लेकिन जो मुझे जानते हैं, सपोर्ट करते हैं, हमारी पूरी पूरी वीडियो वाच करते हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि जो हमारी वीडियो पूरी वाच करते हैं, उसके बाद हमें ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट करके जाते हैं। लेकिन सब तो नहीं करते ना, उनमें से वो फेक आईडी वाले बना करना, फिर फेक है या ओरिजिनल है हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन वो हमारी वाच पूरी वीडियो करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वो चाहे अच्छा करे या बुरा करे, ये अपनी अपनी सोच की बात। जी जी, ठीक है। तो देखना, ये मीनो फल की बोतल मेरी अभी यहीं पर लटकी हुई है, इसे उठा के फेंक दें, क्योंकि ये उस दिन मेरे हाथ में नहीं चली थी और तकरीबन 6-7 जगह पे मेरे वो सुइयां लग गई थी और बहुत टेंशन मुझे बनी। मैंने कहा खुदा मैं नहीं लगवाऊंगी। तभी जब अगला दिन आया तो डॉक्टर ने कहा नहीं जी ये अब खत्म हो चुकी है, जाया हो चुकी, इसे जाया कर दें। तो कैक्षा भी अंदर बैठी हुई है, तो क्या कर रही हो कैक्षा? अच्छा, पैर वो नेल काट रही है अपने। चले जी, इसके साथ इजाजत है, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।